पढ़ने नहीं देती है तो थोड़ी सी मैंने इसकी जरा सी खिंचाई की है ताकि ये थोड़ी सी। जैसे कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने इनके लिए Assalamualaikum everyone, welcome back to another new vlog, another new day and तो पेपर्स हो रहे हैं जिस वजह से इसने उनका उनको पढ़ने नहीं देती है तो थोड़ी सी मैंने इसकी जरा सी खिंचाई की है ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। देखें कि बात बात पे इसको रोना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि गोद में बैठी हुई को काम नहीं करने दे रही, लेकिन मैंने फिर भी कहा है कि आप गोदी में बैठो मगर तंग नहीं करो। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहाँ से होता है स्टार्ट। तो अभी तो स्टार्ट किया तो एंड कैसे कर दूं। तो आज खाने में बनाऊंगी अपनी पसंद का खाना, जैसे कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने इनके लिए केक नहीं कट किया, हालांकि केक ही कट करना था, लेकिन मैंने ना कहा कि हम सैटरडे को कट कर लेंगे क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, इनके पेपर्स हो रहे तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों को भेज दिया मैंने स्कूल और शाइन और मैं अभी बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि क्यों ना अब किचन का भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने घर का इतना काम किया कि अभी 4 बज गए हैं, अभी मैंने खाना नहीं कुछ भी बनाया, तो मैंने कहा कि आज मैं हस्बैंड के पसंद का बनाती हूँ क्योंकि सीज़न की सब्जियाँ खाना तो बहुत अच्छा होता है, उनको मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, मटर पुलाव बनाती हूँ और साथ में कुछ एक मैं बनाती हूँ बड़ा अच्छा चिकन का ना कि क्या उसको नाम दूँ, मैंने अपनी एक बनाई हुई है, आप देखिएगा ज़रूर कि मैंने वो कैसे कैसे बनाई है। चिकन का वो है चिकन टिक्का हांडी टाइप का कुछ बनाती हूँ मैं, वो मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसको एक नाम दूंगी, अभी ज़रा मैं सोच लूँ उसको क्या नाम दिया जाए। तो बनाते हैं मटर पुलाव और उनके लिए बनाते हैं चिकन कढ़ाई टाइप का कुछ है, मैं अभी इसका नाम सोच के आपको बताऊँगी कि उसका नाम क्या रखना। शाइन को हमने इधर बिठा लिया है और वो करिए स्टडी करिए, क्या कर रहे हो? स्टडी करिए। तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा पार दो। और इधर मैं कर रही थी मटर निकाल रही थी, इसने सारा इधर भी खेर दिया है तो मैं करती हूँ फटाफट काम, ये ना हो के बच्चे घर आ जाए मेरी वजह झाड़, तो करते हैं जी काम शाम जी। तो नाज़रीन हाज़रीन, आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि अभी चिकन का जो हमने करना है हाल वो है जी हालो बेहाल। तो मैं अब फिर बार बार कहती हूँ कि क्या नाम दूँ, लेकिन मैं इसको नाम दे चुकी हूँ, ये है चिकन टिक्का कढ़ाई। तो इसमें मैंने सारे मसाले जो डालनी है, दही डालनी होती है 1 कप और बन के जी मेरे पास चिकन है, 1 कप उसमें दही डालो, चिकन वो टिक्का मसाला डालो, उसमें थोड़ी सी वो जो कुटी हुई लाल मिर्च डालो और फिर उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दो, 1-2 घंटा रख दो, अगर टाइम है तो आधा घंटे में भी बन जाएगा, इतना इशू नहीं है। तो फिर कढ़ाई में ऑयल गरम करो और उसमें से ये 1 बाय 1 बोटियाँ निकाल के ना उसमें रख लो और बग़ैर ढक्कन लगाए हुए इनको फ्राई करना है, ये नहीं ढक्कन लगाएंगे तो पानी बन जाएगा ना, इसलिए ये बता रही हूँ। तो क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट कुक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर किसी को समझ आ जाती है तो ठीक है वरना अपनी अपनी मर्ज़ी कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये रख ली है चिकन, इसमें डाल दिया, ये दही जो बच गई है ना ये इसमें अभी नहीं डालनी, जैसे थोड़ी सी चिकन फ्राई हो जाएगी ना तो तब ये इसके अंदर डालेंगे। तो तकरीबन मेरी यहाँ पे चिकन जो है ना काफ़ी हद तक फ्राई हो रही है, आपको कढ़ाई से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कढ़ाई बेचारी इधर जल भूस रही है। तो इसमें इस बार मैंने टमाटर भी ऐड कर लिए थे क्योंकि इनको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है, तो वरना मैं टमाटर नहीं डालती कभी कभी, तो ज़्यादा अच्छा बनता है, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है टमाटर ना डालो, तो अगर टमाटर डाल दो ना तो वो एक टच सेम सा हो जाता है, लेकिन ये लोग कहते हैं जी हमें जी ग्रेवी चाहिए तो उस वजह से मुझे फिर टमाटर और हरी मिर्ची तो मैं डालती हूँ साबुत वाली, तो फिर ये मैं डाल दी और चिकन हो गई है जी काफ़ी ज़्यादा फ्राई। और इसको अब मैं जो बची हुई दे थी थोड़ा सा उसमें मैंने पानी ऐड किया था और ताकि थोड़ा अच्छे से चिकन गल जाए,
तो फिर इसको ढक्कन लगा के ना थोड़ी देर पकाना है, 15 मिनट तकरीबन ना। तो ये बड़ा अच्छा एक मटर पुलाव के साथ ना, ये बड़ा अच्छा एक चिकन कढ़ाई बन जाती है ना। इसका टेस्ट एक डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें तिक्का मसाला होता है और बाकी कोई मसाला जात नहीं होते हैं। तो फिर इसको अच्छे से पका लेने, सोना जहा फ्राई कर लेना है। तो यह ऑयल जड़ा बाकी है ना, इनू उतार लेना है। ऑयल तो नहीं जाना तुसा लोगों ने कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल ना ऑयल होगा तो ये फ्राई होगी, वरना ये फ्राई नहीं होगी चिकन ना। तो टमाटर डालने से थोड़ा सा सेम टेक्चर आ रहा है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट ही था इसका ना। तो चिकन टिक्का कढ़ाई मेरी इधर हो गई है जी रेडी, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और साथ ही मैंने ना फिर क्या किया, इसको लगाया ढक्कन, इसको करके रेडी, इसको रखा एक पासे। तो फिर मैंने कहा हूँ मैं, साथ ही मैंने मटर पुलाव बनाने के लिए सारा कुछ रेडी करके रख लिया था, क्योंकि बच्चों का आने वाला था, आई मीन स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। मैंने कोशिश की कि उनके आने से पहले खाना भी बना लूं और आराम भी कर लूं, क्योंकि उनके पेपर्स हो रहे हैं उस वजह से ना। आज इसके साथ थोड़ा थोड़ा सैड भी हो रही थी, थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि आज मेरे अब्बू की है बरसी। अब मेरे अब्बू को हमसे बिछड़े हो गए हैं 5 साल, आज काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुई हूँ, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी है उस पर हमें चलना पड़ता है। तो बीच में बहन की कॉल आ गई थी, जिस वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी। फिर मैंने मटर पुलाव तो सबको ही बनाना आता है, तो मैंने कहा चलो जी अपना इधर मटर पुलाव की दिखाते हैं थोड़ा सा लुक के कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड, जैसे ही खाना रेडी होता है अभी मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, और उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उन्होंने जाना एडमिशन। आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके और पेपर्स की वजह से बच्चे काफ़ी बिजी हैं, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकती हूँ। तो इसी तरह हमारे साथ बनी रहिए, चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।